नमस्कार दोस्तों, आज हम परवल आलू का आलूदम बनाने जा रहे हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए 250 ग्राम परवल और 3 मीडियम साइज का आलू लिया है। मसाले के लिए चाहिए बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, हरा धनिया पत्ता, 2 लौंग, छोटी इलायची 2, तेज पत्ते, कसूरी मेथी, 1/2 इंच अदरक, 5 कलियां लहसुन, हल्दी पाउडर, सरसों तेल, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेंगे। कुकर में 1 कप पानी डालेंगे। कुकर में 2 सीटी लगवा लेंगे। परवल को इस तरीके से छील लें। परवल छील लिया, इसे धोकर काट लेंगे। परवल को इस तरीके से काट लेंगे। बीच में चीरा लगा लेंगे। परवल काट लिया है, अब इसे तेल में फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, परवल डालेंगे। परवल को चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। परवल का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। परवल फ्राई हो गया, इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालेंगे। तेज पत्ते डाल लें, प्याज डाल लें, अदरक लहसुन, छोटी इलायची, लौंग का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लिया, बाकी के मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसमें पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें मसाले डालेंगे। इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डाल लेंगे थोड़ा सा। बारीक कटा हुआ टमाटर, कसूरी मेथी को इस तरह से मसल कर डाल लेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे। आलू उबालकर छील लिया है, इसे काट लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें परवल डालेंगे। मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। आलू डाल लें, इसे भी मिक्स कर लें। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। आलू परवल को 2 मिनट भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम या लो रखें, बीच बीच में चला लें ताकि नीचे छिपके नहीं। हो गया है, इसमें पानी डाल लेंगे। 1 कप पानी डालेंगे। इसे 4 से 5 मिनट पकाएं। फ्लेम मीडियम रखें। 5 मिनट हो गया है, आलू दम तैयार है। गैस बंद कर लेंगे। हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। परवल का आलू दम तैयार है। आप इसे रोटी, चावल या पूरी के साथ सर्व करें।